हम उठा रहे हैं कि ये मारने का अधिकार जो है काले ऑटो वालों को किसने दे रखा है, एडमिनिस्ट्रेशन जो है इन पे कोई कार्रवाई क्यों नहीं? हमारी मैं चाबी क्यों निकाल रहे हो, बोलते 200-300 मीटर हमारा इधर स्टैंड है, इधर खड़ा भी नहीं होना है। आपने दो तीन बंदे इकट्ठे हुए, चार बंदे मारना शुरू कर, एक ने मारा सर, उसके बाद में दो तीन लोगों ने इकट्ठा मारना शुरू कर दिया, बहुत मारा सर मुझे। जिस टीम ने इनके ऊपर हाथ उठाया, जिस स्टैंड के बंदे ने हाथ उठाया, उसका स्टैंड का जो ब्लैक ऑटो का प्रधान है वो आए थे, और उसके साथ और भी उनके दो साथी आए थे। उन्होंने SHO साहब के सामने माना कि हम मानते हैं कि हमारे बंदे की गलती है, वो उन्होंने एक तरफ से इस चीज़ को अपोलोजाइज किया। आज क्या आपके साथ हुआ, नाम सर, क्या था? मेरा नाम अजय कुमार सैनी है, खटी CTC गांधीनगर में रहता हूँ सर। मैं रेलवे गया था सवारी छोड़ने, तो उधर से आ रहा था घर पर नाश्ता करने के लिए, सुबह कुछ खाया नहीं था, तो मैं बहू प्लाजा के पास, मुझे दो लड़कों ने हाथ दिया, बोला पनामा चौक जाना है, तो मैंने कहा सर मैं उधर नहीं जाऊंगा, मैं घर जा रहा हूं, अभी नाश्ता करना है। तो मैं थोड़ा आगे जाके खड़ा हो गया, तब तक पीछे से एक ऑटो वाला आया, उसने बोला भाई, गाली देने लगा सर, क्या बोलूं, कौन कौन सी गाली। फिर वो चाबी निकाल ली उन्होंने हमारी, मैं कहा चाबी क्यों निकाल रहे हो, बोलते 200-300 मीटर हमारा इधर स्टैंड है, इधर खड़ा भी नहीं होना है आपने। तो सर बस ये दो तीन बंदे इकट्ठे हुए, चार बंदे मारना शुरू कर, एक ने मारा सर, उसके बाद में दो तीन लोगों ने इकट्ठा मारना शुरू कर दिया, बहुत मारा सर मुझे। फिर मैंने फ़ोन किया, नेक पे लगा हुआ है, इनके नेक पे लगा हुआ है, इधर लगा है, उस पर नाखून लगे हुए, प्राइवेट पार्ट पे इनके लगा हुआ है, सूजन हुई है उसकी, ये MLC रिपोर्ट है, ये अभी जस्ट लेके आ रही है। तो इसमें तो जान भी जा सकती, बिल्कुल जा सकती थी, ये वही यही क्वेश्चन हम उठा रहे हैं कि ये मारने का अधिकार जो है काले ऑटो वालों को किसने दे रखा है, एडमिनिस्ट्रेशन जो है इन पे कोई कार्रवाई क्यों नहीं करती है? पुलिस प्रशासन का भी ढीला रवैया दिख रहा है, बार-बार ये देखिए, आप पुलिस प्रशासन की बात करते हो तो पुलिस का पॉजिटिव रोल रहा, जैसे हम गांधीनगर SHO साहब के पास आए, उन्होंने बड़ी जल्दी इनिशिएटिव लिया और बड़ी जल्दी इस पे उन्होंने एक्शन लिया। जिस टीम ने इनके ऊपर हाथ उठाया, जिस स्टैंड के बंदे ने हाथ उठाया, उसका स्टैंड का जो ब्लैक ऑटो का प्रधान है वो आए थे, और उसके साथ और भी उनके दो साथी आए थे। उन्होंने SHO साहब के सामने माना कि हम मानते हैं कि हमारे बंदे की गलती है, वो उन्होंने एक तरफ से इस चीज़ को अपोलोजाइज किया, और उन्होंने कहा कि जिस बंदे ने मारा है उसने फ़ोन ऑफ करके अभी छुप गया है, हम थोड़ी देर में, हमें टाइम दे दो, दोपहर तक का या शाम तक का, हम उस बंदे को ट्रेस आउट करके आपके पास लेके आएंगे। तो तब इसलिए हमने कहा ठीक है, लेकिन मैं कहने का ये चाहता हूँ कि इस मसले को जो है जल्दी से जल्दी हल हो। हम ये चाहते थे कि एक इलेक्टेड प्रेसिडेंट चुना जाए जो ऑटो के प्रधान के साथ, मेटाडोर के प्रधान के साथ, ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के प्रधान के साथ बैठ के टेबल पे इन मसलों को हल करे। जहाँ तक, और मैं आपके माध्यम से खासकर SHO साहब पंकज जो गांधीनगर है उनका मैं शुक्रिया करूँगा कि उन्होंने बड़ी जल्दी इस चीज़ को एक्शन लिया, उन्होंने दूसरी टीम बुलाई और वो आए, उन्होंने अपनी माफ़ी भी एक हिसाब से मांगी है, और उन्होंने कहा जिस बंदे ने इनके साथ किया है हम उसको आपके सामने लेके आएंगे, और हम उसको अपने स्टैंड में भी नहीं खड़े होने देंगे। देखिए, ये भाईचारा जो है वो बना है और वो बना रहना चाहिए, लेकिन हम ये चाहते हैं इस तरीके के अगर कुछ लोग हैं जो इस तरीके की लड़ाइयां करवा के आपस में इस क्लैश कराना चाहते हैं या माहौल खराब करना चाहते हैं आपस में, उन लोगों के अगेंस्ट सख्त से सख्त कार्रवाई हो। और तेजिंदर सिंह भी यहां पहुंचे थे, तो क्या कुछ कारण थे उनके यहां आने के? देखिए, वो तो अपने पर्सनल काम के लिए आए थे, और आपके चैनल में उसने कहा कि मैं अपने पर्सनल काम के लिए आया था, तो वो एक अपना अलग रोल था। हमारी जो अपनी ई रिक्शा यूनियन, विवाद जो है ई रिक्शा के लिए महंगा पड़ रहा है, क्योंकि जब तक प्रधान साहब, बिल्कुल 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 सर, मैं आपको ये चीज़ कहना चाहूँगा, जब तक एक इलेक्टेड प्रेजिडेंट नहीं चुना जाएगा तब तक ये मसले नहीं हल हो सकते, क्योंकि हमारे साथ अगर 2000 रिक्शा चलता है वो हम उनको अपने हिसाब से चला लेंगे, लेकिन बाकी जो 100-200 रिक्शा अलग है उसको हम अपने हिसाब से कैसे चलाएंगे? कल उनकी तरफ से कुछ उल्टा पुल्टी कोई बात होगी तो एलिगेशन पूरा ई रिक्शा के चालकों के ऊपर हो जाएगा। इसलिए हम ये चाहते थे कि इलेक्शन हो जाए और प्रेसिडेंट चुना जाए इलेक्टेड।